सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाए मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्जाम प्रिपरेशन और अदर वीडियो हैं। आज जय हिंद, मैं हूँ सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर खनिज संसाधन के बारे में। खनिज संसाधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लेक्चर नंबर 30 है। इसके पहले हम लोगों ने ऊर्जा संसाधन पढ़ा था और मैं जल्दी उसके ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं खनिज संसाधनों। तो इसमें दो शब्द आते हैं, खनिज और अयस्क। इनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, और कभी कभी हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो खनिज की परिभाषा क्या होती है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। या कुछ भी खनिज हो सकते हैं, ये आप समझ लो कि मतलब किसी भी प्राकृतिक रूप से कोई भी पदार्थ प्राप्त हो जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा खनिज। और अयस्क क्या कहा जाएगा, आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये खनिज है तो इसके अंदर ही क्या आते हैं, अयस्क आते हैं। मीन्स इसमें ऐसे खनिज जिनमें कोई धातु, कोई विशेष धातु जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है और उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा सके, तो उस खनिज को क्या कहा जाता है, उस धातु का अयस्क कहा जाता है। सिर्फ धातु ही होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि ऐसे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु अधिक हो और जिस उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा सके, उसको क्या कहा जाता है, उस धातु का अयस्क कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अयस्क होते हैं वो क्या है, खनिज है। या कहा जाए कि अयस्क जो है वो एक विशेष प्रकार का खनिज है जिसमें कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है और उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा सके। इसका एक उदाहरण ले लें कि मान लीजिए बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है जिसमें एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है और उससे अगर बॉक्साइट को हम साफ करते हैं तो अच्छी फायदेमंद मात्रा में हम लोगों को एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने किसी खनिज को साफ किया, उसमें सोना भी भला ही है, लेकिन सोना बहुत ही अल्प मात्रा में है और जिस जो सोने को निकालने का जो खर्च है वो सोने का जो मूल्य है उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो उसको उस सोने का अयस्क नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से खनिज अयस्क में आप अंतर समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है। इसके बाद खनिजों का वर्गीकरण क्या होता है, तो खनिजों का वर्गीकरण देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, जो धात्विक जिसमें धातु हो वो धात्विक खनिज है और जिसमें धातु ना हो वो कौन सा है, अधात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, एक लौह खनिज और एक अलौह खनिज। मीन एक ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा होता है उसको लौह खनिज बोलते हैं और जिसमें लोहा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अलौह खनिज बोलते हैं। जिसमें लोहा धातु नहीं होती उसको अलौह धात्विक खनिज। लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण हो सकता है लोहा और मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग भी क्या किया जाता है, लोहे के इस्पात के निर्माण में किया जाता है। अलौह खनिज में क्या आ सकता है, तांबा आ सकता है, बॉक्साइड आ सकता है, क्योंकि ये शुद्ध धातुएं हैं, इनमें बिल्कुल भी लोहे की मात्रा नहीं होती। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। तो अधात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है ईंधन अधात्विक खनिज और एक होते हैं अन्य अधात्विक खनिज। आप इसके नाम से समझ गए होंगे, ईंधन अधात्विक खनिज मतलब कि ऐसे खनिज जिनमें ईंधन वो क्या होगा, ईंधन अधात्विक खनिज है। आपको लग रहा होगा ईंधन और खनिजों में कैसे आ गया, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये भी क्या है, एक प्रकार के खनिज हैं। खनिज जो होते हैं जरूरी नहीं है कि वो ठोस ही हों, वो गैस भी हो सकते हैं, वो द्रव भी हो सकते हैं और वो ठोस भी हो सकते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो एक कहा जाए कि द्रव और ठोस का एक मिश्रण होता है, जेल टाइप का होता है, लगभग गाढ़ा एक द्रव होता है जो ठोस और कहा जाए कि द्रव की बीच की अवस्था होती है। और एक कोयला हुआ, कोयला पूरी तरीके से ठोस होता है और गैस प्राकृतिक गैस जो होती है पूरी तरीके से गैसीय अवस्था में होती है। तो ये ईंधन खनिज हो जाते हैं। और अन्य अधात्विक खनिजों में देखा जाए माइका, जो जनरली सजावट में प्रयोग होता है, लकड़ी के ऊपर लगाया जाता है, वो माइका भी एक क्या होती है, एक खनिज होता है, वो अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर हुआ,
चूना पत्थर हम लोग जानते ही होंगे, और एक ग्रेफाइट हुआ जो पेंसिल की जो नोक होती है इससे बनाई जाती है। तो ये हो गया खनिजों का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहली विशेषता है, आपसे पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी खनिज की विशेषता नहीं है या कौन सी खनिज की विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह असमान रूप से वितरित होते हैं। आप कोई भी जितने भी खनिज है वो असमान रूप से वितरित होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर सभी खनिज मिल जाए। तो कुछ खनिज यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो असमान रूप से वितरित होते हैं। दूसरा होता है इनकी मात्रा और गुणवत्ता के बीच में प्रतिलोमी संबंध होता है। अगर कोई खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी? कम होगी। और जिसकी गुणवत्ता अधिक होगी वो उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। जैसे सोना है, प्लेटिनम है, हीरा है, ये जो है ये जितने भी खनिज हैं इनकी गुणवत्ता अधिक है इसलिए इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। बाकी लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला, ये इनकी गुणवत्ता कम है इसलिए इनकी मात्रा अधिक होती है। तीसरा है ये समय के साथ क्या हो जाते हैं? खनिज समाप्त हो जाते हैं। अगर उनका सतत उपयोग करते रहें तो समय के साथ में ये समाप्त हो जाएंगे। और चौथा है कि भारत के खनिज पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में इनका क्या है? अभाव है। मीन्स मैदानी क्षेत्र में खनिज नहीं पाए जाते। भारत में देखा जाए जितने भी है, चाहे छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे दक्कन प्रायद्वीप हो, जितने भी ये सब खनिज यहीं पाए जाते हैं। और ये है खनिजों का उपयोग, आप जानते होंगे, आभूषण बनाने में, मकान बनाने में, इलेक्ट्रिक उद्योग में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, सोना हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, सब ये चीज़ उपयोग की जाती है। चलिए इसके बाद जो खनिज होते हैं वो धरती पर ऐसे नहीं मिलते, धरती की गहराइयों में दबे होते हैं और उनको निकालने के लिए कई प्रकार की विधियाँ उपयोग में की जाती हैं। वो कौन कौन सी विधि है हम इसके बाद उस विधियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं खनिजों के निष्कर्षण के बारे में। खनिजों का निष्कर्षण मतलब ये होता है कि खनिजों को पृथ्वी की सतह से प्राप्त करना। कुछ खनिज जो होते हैं वो बहुत ही कम गहराई पर होते हैं, कुछ मध्यम गहराई पर, कुछ अत्यधिक गहराई पर होते हैं। तो खनिजों को पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कर्षण कहलाती है। और इस निष्कर्षण के कई प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है खनन, दूसरा आखनन और तीसरा प्रभेदन। और खनन के भी दो प्रकार होते हैं, एक भ्रुवित्त खनन होता है और एक कूप की खनन होता है। तो आखनन क्या होता है? आखनन पढ़ेंगे, जब कोई खनिज पृथ्वी की सतह के अत्यधिक निकट होता है और हल्की सतह को हटाकर उसको प्राप्त किया जा सकता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आखनन कहा जाता है। मतलब कि कोई खनिज अगर पृथ्वी में बहुत कम गहराई पर है और उसकी जो ऊपरी परत है थोड़ी सी हटा दी और उस खनिज को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? आखनन कहा जाएगा। जैसे संगमरमर हुआ और चूना पत्थर हुआ, ये दोनों लगभग पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आखनन की। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खनन। खनन मतलब क्या होता है? जब कोई खनिज जो है मध्यम गहराई में होता है तो उसे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। खनन दो प्रकार का हुआ, विवृत्त खनन और कूप की खनन। विवृत्त खनन मतलब होता है कि जब किसी खनिज के निकालने के लिए उसकी पूरी ऊपरी सतह को हटा दिया जाए तो क्या कहते हैं? तांबा। इसमें क्या किया जाता है कि बहुत बड़ी खान होती है, उसको खोदते जाते हैं उसकी ऊपरी परत हटाते जाते हैं और नीचे की तरफ जाते जाते हैं। तो वो खान होती है वो ऐसी होती है, गहराई उसकी ऐसे बढ़ती है, पहले इतनी बड़ी और छोटी और छोटी और छोटी, और उसको ट्रक को जाने के लिए ऐसे गोल गोल रास्ते बनाए जाते हैं जिससे बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं ऐसे घूम के बाहर आ जाते हैं। मतलब इस खनिज को प्राप्त करने के लिए पूरी ऊपरी सतह को हटाते जाते हैं, वो कहलाता है विवृत्त खनन। ये तब होता है जब जो खनिज है वो ऊपरी सतह से थोड़ा सा और नीचे हो, उसको निकालने के लिए विवृत्त खनन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे तांबा है, अगर मलाज खंड में देखा जाए तो जो खान है वो इसी प्रकार की खान है, उसमें आप देखेंगे तो इसी प्रकार की एक बहुत ही गहरा, ऐसा लगता है कि बहुत ही गहरा तालाब उसमें खुदा। इसके बाद कूप की खनन, जैसा कि इसके नाम से आ रहा है कूप मतलब कुआं। तो जब खनिज थोड़ा मध्यम से भी और गहराई पर होता है तो किस प्रकार के खनिज का उपयोग किया जाता है? कूप की खनन का। इसमें क्या किया जाता है कि जो ऊपरी परत है उसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ सुरंगें बनाई जाती हैं और सुरंगें बना के या खान बना के उसके अंदर जाया जाता है और वहाँ से खोद के छोटी छोटी ट्रेनों के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है, जिससे पूरा का पूरा हम लोगों को बाहर नहीं हटाना पड़ता। ये मध्यम, बिल्कुल मध्यम की बिल्कुल गहराई में होता है
जैसे कोयला है, कोयले के लिए कोयले की क्या होती है, खाने होती है, खदानें होती हैं, छोटी छोटी सी गुफानुमा होती हैं जो कई किलोमीटर गहरी होती हैं, और उसमें से इस खनिज को प्राप्त किया जाता है। तो भ्रमित खनन और कोकी खनन में आप अंतर समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट है प्रभेदन। प्रभेदन मतलब होता है कि जब कोई खनिज अत्यधिक गहराई में हो तो उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रभेदन का प्रयोग किया जाता है। जब मान लीजिए कोई खनिज जो है वो 1 किलोमीटर नीचे हो तो उसको निकालने के लिए प्रभेदन का प्रयोग किया जाता है। खासकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये बहुत नीचे होते हैं, खासकर समुद्र में जो अपतटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर ये मिलते हैं, तो बहुत गहरे कुएं बनाए जाते हैं और मशीनों के द्वारा पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में खनिजों का विवरण क्या है कि भारत में खनिज जो है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जितने भी खनिज हैं वो सब के सब प्रायद्वीपीय भाग में ही पाए जाते हैं। जो मैदानी क्षेत्र है और जो तटीय मैदान है वो बिल्कुल खनिज से विहीन है, वहाँ पर कोई भी खनिज नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये क्या है कि प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में ये पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज मंगलोर से कानपुर को मिलाने वाले जो काल्पनिक रेखा है ये आपको याद होगा, ये भारत है और ये आपका मंगलोर है और ये कानपुर है, तो इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसके पूर्व में ही खनिज पूरे पाए जाते हैं। ये एक भारत में स्थिति है खनिजों की। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं भारत में खनिजों की पेटियाँ। खनिजों की पेटियाँ का मतलब है ये पेटी जो हम उपयोग करते हैं उससे नहीं है, खनिजों की पेटियाँ मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है खनिज पेटियाँ। तो भारत में खनिज पेटियाँ कितनी है, मुख्य रूप से 3 है, लेकिन एक और अन्य खनिज पेटी है हिमालय की, तो कहा जाए कि भारत में 4 खनिज पेटियाँ हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्वी प्रदेश पठारी प्रदेश की खनिज पेटी, और इसमें आता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल। एक है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। अगर ये मैप हम लोग देखें तो अभी इसकी किसकी बात कर रहे हैं, ये इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र की। इसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये वाला है एरिया। इसमें कौन सा, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु, ये पूरा क्षेत्र इसमें आ जाएगा। इसके बाद है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी प्रदेश कौन सा आता है, ये वाला, इसमें क्या आएगा, गुजरात आएगा और राजस्थान आएगा। और जो अन्य पेटी है वो कौन सी, उत्तर हिमालय की है, और इसमें पूर्वी हिमालय भी आता है जहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये राज्य हैं, और पश्चिम हिमालय प्रदेश भी आता है। तो ये खनिज पेटियाँ हैं और हम इन खनिज पेटियों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक एक खनिज है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग खनिज पेटियों के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 भारत में मुख्य रूप से खनिज पेटियाँ हैं जिसमें 3 सबसे प्रमुख हैं। तो सबसे पहली खनिज पेटी है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। आप ये समझ रहे होंगे ये लगभग उत्तर पूर्वी भारत ना देख के आप जो पूर्वी वाले राज्य हैं उनको देखें, तो इसमें इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। और ये आपको पता होगा कि ये लो अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक इसके लिए प्रसिद्ध है, इसके यहाँ पर भंडार है। दूसरा देखा जाए दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, मैं ये भारत का दक्षिण पश्चिमी भाग है और इसमें तमिलनाडु के उच्च प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और केरल शामिल किए जाते हैं, और यहाँ पर उच्च कोटि का चूना, मैग्नीज और लोह अयस्क यहाँ पर उपलब्ध है। और जैसा कि जो पूर्वी पेटी में यहाँ पर विविधता थी खनिजों की, यहाँ पर इतनी विविधता नहीं है। और गोवा में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से लोह अयस्क वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट जो होता है मंगलोर जो पोर्ट है वो लोह अयस्क की एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है, और केरल में मोनोजाइट, थोरियम और बॉक्साइट किले के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं तीसरा, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ये तीसरी खनिज पेटी है। यह पट्टी राजस्थान के अरावली और गुजरात में फैली हुई है और इसमें धारवा क्रम की शैलों से ये मिलकर बनी हुई है। तावा एवं जिंक इसके प्रमुख खनिज है। तावा आपको पता होगा कि कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में डोलोमाइट और बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी इनके प्रमुख निक्षेप हैं। और राजस्थान जो है राजस्थान इमारती पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चाहे वो ग्रेनाइट हो या संगमरमर हो या कोई अन्य पत्थर हो, कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। संगमरमर का सबसे ज़्यादा उत्पादन, चाहे मूर्ति हो, हर चीज़ कहाँ बनाए जाते हैं, राजस्थान में बनाए जाते हैं।
और साथ में जो डोलोमाइट और चूना पत्थर पाया जाता है वो सीमेंट उद्योग के लिए एक कच्चे माल का काम करता है, क्योंकि सीमेंट इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। इसलिए सीमेंट उद्योग भी यहाँ पे अच्छे तरीके से विकसित है। और गुजरात में पेट्रोलियम के लिए पाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात में ये दोनों नमक के भी प्रमुख उत्पादक हैं। इसके बाद जो अन्य हिमालय पेटी है, अन्य हिमालय खनिज पेटी, ये चौथी खनिज पेटी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, तांबा, सीसा, कोबाल्ट, रंग रत्न जो कीमती रत्न होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि पूर्वी हिमालय भी और पश्चिमी हिमालय, ये दोनों हिमालय इसमें शामिल हैं। पूर्वी हिमालय में कश्मीर आ सकता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और पश्चिमी हिमालय में क्षमा कीजिए, और पूर्वी हिमालय में उत्तराखंड, सॉरी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये वाला जो क्षेत्र है वो किस में आएगा, पूर्वी हिमालय में आएगा। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, असम घाटी को अगर देखें तो असम घाटी की डिगबोई में क्या है, खनिज तेल के निक्षेप भी पाए जाते हैं। अब भारत के प्रमुख खनिज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट खनिज है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट खनिज है लोह अयस्क, लोह खनिज। तो लोह खनिज में क्या होता है, लोह खनिज में दो तरीके के अयस्क होते हैं, एक लोह अयस्क होता है, दूसरा मैंगनीज होता है। मैंगनीज को भी लोहे में मिला के बहुत सारे इस्पात बनाए जाते हैं, स्टील बनाया जाता है और अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए इसको भी लोह खनिज में शामिल किया जाता है। तो लोह अयस्क जो खनिज होता है वो क्या होता है, मैंगनीज और क्रोमाइट के आधारित जो उद्योग है उनके लिए एक बेस प्रदान करता है, एक आधार प्रदान करता है, कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। और लोह अयस्क की खाने जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में। लोगों ने ये पढ़ा, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में जो कोयला है ये यहाँ पे पाया जाता है, तो कोयला यहाँ पाया जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि जो लोहे की खदानें हैं वो कोयले की खदानों के आसपास ही स्थित हैं, इसी वजह से लोहे को निकालने के लिए, पिघलाने के लिए, उससे बाकी चीज़ें बनाने के लिए ये बहुत आसान होता है, उसका उपयोग कोयले का उपयोग होता है। इसलिए इन्हीं खानों के आसपास ही इसके मुख्य रूप से जो उद्योग हैं वो स्थापित हुए हैं, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे बाकी अन्य जो औद्योगिक नगर है, वो सभी के सभी इन्हीं खनिजों खदानों के आसपास ही स्थापित किए गए हैं। तो चले चलते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इस लोह खनिज के बारे में डिटेल से। अब हम लोग पढ़ते हैं लोह अयस्क के बारे में। तो लोह अयस्क मतलब ऐसा जिसमें लोहे का अंश होता है उसको बोलते हैं लोह अयस्क, और इसमें लोहा की जो धातु है वो सबसे प्रमुखता से पाई जाती है। तो भारत में एशिया के विशाल लोह भंडार संरक्षित हैं। भारत में दो प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं, एक होता है हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। ये दोनों लोहे के जो अयस्क हैं उनके एक प्रकार हैं, और सर्वोत्तम गुणवत्ता का जो लोहा होता है वो भारत में ही पाया जाता है। इसी कारण से पूरे विश्व में भारत के लोहे की मांग बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए कि भारत में कुल लोहे अर्जित भंडारों का 95% किन राज्यों में है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लोहा सबसे इम्पोर्टेंट धातु होती है, जितने भी उद्योग होते हैं उन सब उद्योगों का आधार क्या होता है, लोहा होता है। क्योंकि लगभग जितने भी जो आधारभूत संरचना से जुड़े उद्योग हैं, निर्माण से जुड़े उद्योग हैं, उनमें लोहा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक एक नीड। तो कौन कौन से राज्य जहाँ ये पाया जाता है लोहा, लोहेस, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और अगर इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर है कर्नाटक, दूसरे पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे पर है उड़ीसा। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है, अन्य देशों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। अगर हम पूरे विश्व में देखते हैं तो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील। लेकिन अगर कुल संचित भंडारों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत प्रथम स्थान पर आता है, मतलब पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा लोहे के भंडार देखे जाएँ तो वो भारत में है। इसकी प्रमुख खदानें भी हम लोगों को याद करनी पड़ेगी, पीएससी में पूछा गया था। ऐसा पूछा जाता है कि बेल्लारी की बेलाडीला खदान वो किस जो अयस्क है या खनिज है उसके उत्पादन के लिए जानी जाती है, या बाबा बुदन की पहाड़ी पूछी जा सकती है, सुंदरगढ़ कूड़ा पूछा जा सकता है। तो आपको ये खदानें भी याद होनी चाहिए। तो कर्नाटक में कौन कौन सी खदानें हैं, यहाँ पे बेल्लारी जिला, चिकमंगलूर की बाबा बुदन की पहाड़ी और शिवमोगा जिला, यहाँ पे लोह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ बेलाडीला खदान, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में लोह अयस्क पाया जाता है।
उड़ीसा में देखा जाए तो सुंदरगढ़, मयूरभंज और झाल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे प्रमुखता से लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये हम लोगों को याद करना है, ये याद करना है और थोड़ा सा ये याद करना है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक लौह जो अयस्क लौह खनिज होते हैं उसमें एक था लौह अयस्क, दूसरा था मैंगनीज। मैंगनीज को भी लौह खनिज में माना जाता है क्योंकि मैंगनीज का उपयोग भी क्या किया जाता है, लोहे के जो उत्पाद होते हैं स्टील हुआ बाकी उत्पाद हुए तो उनमें एक मिश्रण के रूप में मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लोह युक्त धातु के विनिर्माण में, जो लोहे से युक्त धातु होती है उसके विनिर्माण में और लोह अयस्क के प्रागलन के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लोह अयस्क की प्रागलन से मतलब है कि जब अयस्क आता है तो उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसको पिघलाया जाता है और बाद में उसको किसी भी तरीके से शुद्ध किया जाता है। इस वृद्धि को बोलते हैं प्रागलन। और इसके नीचे लगभग सभी भूगर्भीय चट्टानों में विशेषकर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चट्टानों के बनने का क्रम है, कुछ एजेस हैं कि इस एज में चट्टान बनी, इसी हिसाब से इन जो चट्टान हैं उनका विभाजन किया गया है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख उत्पादक राज्य देखे जाए, अगर भंडारों की दृष्टि से देखा जाए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो भारत का मैंगनीज के भंडार में स्थान आता है दूसरा। प्रथम मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं जिम्बाब्वे में। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पांचवें स्थान पर है और सबसे प्रथम पर है दक्षिण अफ्रीका, यह आपको याद रखना है। अगर भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य देखे जाए तो प्रथम स्थान पर आता है उड़ीसा, लौह अयस्क में आता था कर्नाटक, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, लौह अयस्क में क्या था छत्तीसगढ़ था, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। इसमें ये प्रमुख खदानें दी गई हैं, उड़ीसा में सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर और कालाहांडी। कालाहांडी आपको याद रखना है, कालाहांडी और क्योंझर ये बहुत प्रसिद्ध है। तो कालाहांडी और क्योंझर किस में पाए जाते हैं, मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये प्रमुख मैंगनीज उत्पादक जिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये दोनों क्या थे, लौह खनिज थे, अब हम बात करते हैं अलौह खनिज की। तो जो अलौह अयस्क है उसमें सबसे पहला आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में पढ़ते हैं तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, मतलब कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। और दूसरा, यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारी पर्वतीय भागों के साथ साथ तटीय भाग में भी पाया जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत में भी पाया जाता है, साथ में तटीय भाग में भी पाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य देखे जाए तो प्रथम स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर झारखंड का नंबर आता है। आप फिर से याद रखें लोहे के उत्पादन में, अगर आप कुछ याद नहीं रख पा रहे हैं तो सबसे पहला आपको जो है वो याद रखना है। पहला कर्नाटक हुआ लोहे में, मैंगनीज में पहला हुआ उड़ीसा, और जो बॉक्साइड है उसमें पहला हो जाता है, बॉक्साइड में भी उड़ीसा पहला है। उड़ीसा के कालाहांडी और संबलपुर, कालाहांडी इसमें भी था और संबलपुर इसमें भी था, ये मैंगनीज भी यहाँ पाया जाता है और साथ में बॉक्साइड भी यहाँ पे पाया जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, ये राज्य जो है वो खासकर यहाँ पर खनिज के भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं। दक्षिण में देखा जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखा जाए गुजरात, गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसका उत्पादन किया जाता है बॉक्साइड का। और झारखंड में देखा जाए तो झारखंड का लोहारगिरी जिला जो है वहाँ पे इसका उत्पादन बहुत आयत में किया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट में, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का जो पठार है वहाँ पे बॉक्साइड का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तांबे के बारे में। तांबा जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है और खासकर जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसमें ये आधार का काम करता है। आभूषण उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो तांबे का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जो बिजली की मोटर होती है, जनरेटर होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसके जो तार होती है, उसकी वाइंडिंग होती है, उसको बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। और तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है। तांबे का एक गुण होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है, पानी को शुद्ध करने का काम करता है, और अपनी ह्यूमन बॉडी में जो तांबे तत्व की कमी होती है उसको भी ये इससे बने हुए बर्तन पूरे करते हैं। इसी वजह से तांबा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी धातु मानी जाती है। और ये सोने के आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए भी उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि सोना जो होता है बहुत ही मुलायम धातु होती है और उससे अगर शुद्ध सोने से आभूषण बनाए जाए तो बहुत ही कमजोर रहेंगे और आसानी से टूट जाएंगे। प्रमुख उत्पादक राज्य देखे जाए तो प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की मलाजखंड खान जो कि बालाघाट जिले में है, ये सबसे
बड़ी उत्पादक खान है। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, राजस्थान के जवाहर खान, झुंझुनू और अलवर जिला, ये तांबे के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। खासकर जवाहर खान को आप याद रखिए, जवाहर खान में कई सारी धातुएं पाई जाती हैं। जवाहर खान आप यहाँ भी पढ़ेंगे, जवाहर खान आप जस्ते में भी पढ़ेंगे। और झारखंड तीसरे स्थान पर है और झारखंड का सेभूमि जिला में इसका तांबे का उत्पादन होता है। अब अन्य खनिज हम लोग पढ़ते हैं, अभ्रक है, तो अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है विद्युत और जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल उद्योग उनमें किया जाता है। कभी आपने आयरन देखा होगा, प्रेस देखा होगा, तो उसमें अगर आपने कभी खोला हो तो उसमें एक सफ़ेद कलर की चमकती हुई एक पारदर्शी कुछ पारदर्शी टाइप की एक चीज़ होती है, उसको अगर आप नाखून से निकालते हैं तो उसमें परत दर परत निकलती जाती है, वही अभ्रक है। तो इसमें इसको पतली चादरों के रूप में विकृत किया जाता है और ये काफ़ी मजबूत होती है। और प्रमुख उसको अगर इसका उत्पादक देखा जाए तो प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जो कुल उत्पादन का 72% से अधिक उत्पादित करता है और यहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक उत्पादित किया जाता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है और राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के बीच की मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसमें लगभग 320 किलोमीटर लंबी अभ्रक की पट्टी पाई जाती है। और अन्य राज्य देखे जाए तो झारखंड इसका उत्पादक है। इसके बाद जो अन्य धातु है वो है सोना। सोना भारत में काफ़ी कम उत्पादित किया जाता है और सोने का मुख्यतः आयात किया जाता है, और सोना मुख्यतः कर्नाटक में ही पैदा किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। सबसे प्रथम स्थान जो है सोने में वो कर्नाटक का है, जो 98% सोना वहीं से उत्पादित किया जाता है। इसमें कोलाई, ऊटी और हट्टी की खाने ये प्रमुख इसकी उत्पादक खाने हैं। और खासकर जो सोना है वो भारत में बहुत कम मात्रा में है और उसको निकालने की जो लागत होती है वो सोने को की जो कीमत होती है उससे भी कम होती है, इसी वजह से कम उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी और अनंतपुर ये दो जगह हैं जहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हीरे के बारे में। हीरा जो होता है बहुत ही कीमती एक आधात्मिक खनिज होता है और संसार की सबसे कठोर जो चीज होती है वो भी हीरा है माना जाता है। और प्रथम स्थान पर हीरे में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पन्ना जिला, पन्ना जिला के मझगांव खान, ये आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है कि मझगांव खान में ही पूरे देश में एकमात्र हीरे का उत्पादन होता है। छतरपुर जिले जो हीरा पन्ना से लगा हुआ है उसके भी कई जो क्षेत्र हैं वहाँ भी हीरे पाए जाते हैं। खासकर छतरपुर की जो बक्सवाहा तहसील है वहाँ भी हीरे के विशाल भंडार मिले हैं, और रियो टिंटो कंपनी है उसको इसका ठेका दिया गया है उसका उत्पादन करने का। इसके बाद अंगली जो धातु है, अंगला जो खनिज है वो है जस्ता, जिससे को इंग्लिश में लेड भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। खासकर बैटरी के टर्मिनल जो होते हैं वो लेड से ही बने होते हैं। और इसका जो उपयोग किया जाता है जस्ते का उपयोग किया जाता है, कांसे के साथ मिला के इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है जस्ते को जिंक कहा जाता है समाप्ति से। और लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर लोहे के ऊपर इस जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है। इसका उपयोग बैटरी के निर्माण में भी होता है। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य देखे जाए तो प्रथम स्थान पर राजस्थान है, और राजस्थान की जवाहर खान इसका नाम आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, और तीसरे अन्य स्थान जो देखा जाए अन्य राज्य जो है वो उड़ीसा है। इसके बाद अगला जो खनिज है तत्व वो है यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग आप जानते होंगे, यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और यूरेनियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु बम, जो नाभिकीय ऊर्जा वाले बम होते हैं उनको बनाने में, नाभिकीय रिएक्टर में एक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और खासकर अभी जो वर्तमान में इसका उपयोग कुछ जो बड़े जहाज होते हैं नेवी के, उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए छोटे छोटे रिएक्टर लगे होते हैं उसमें ऊर्जा इससे प्रदान की जाती है। कुछ परमाणु पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें भी इससे इसका उपयोग किया जाता है, जिससे काफ़ी लंबे समय तक सतत ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके, और जो जहाज है जो पनडुब्बी है काफ़ी लंबे समय तक बिना ईंधन भरे समुद्र के अंदर या समुद्र में तैरती रहे। और इसके प्रमुख उत्पादक देखे जाए तो झारखंड है। झारखंड की खासकर जादूगोड़ा की खान, रांची, हजारीबाग और सेभूमि जिला ये जो है वो उसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, सबसे बड़े उत्पादक खाने हैं। इसके बाद है अगला जो खनिज है वो है मैग्नेजाइट। मैग्नेजाइट का उपयोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो स्टील उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है, खासकर रासायनिक खाद जो होती है वो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है।
जो रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें कच्चे माल के रूप में भी मैग्नीशियम का उपयोग मैग्नीजाइट का उपयोग किया जाता है। और मैग्नीजाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य देखे जाए तो प्रथम स्थान पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड पूरे देश का 68% मैग्नीजाइट का उत्पादन करता है। और अन्य राज्य जो देखे जाए वो राजस्थान है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, जो मुख्य रूप से मैग्नीजाइट का उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चांदी के बारे में। चांदी आप जानते होंगे कि सोने के बाद जो सबसे कीमती धातु होती है वो चांदी है। और चांदी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? आभूषण बनाने में। और चांदी का वर्क जो खासकर मिठाइयों पर लगाया जाता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चांदी का प्रयोग किया जाता है। और चांदी का प्रमुख उत्पादक देश अगर देखे जाए तो प्रथम स्थान पर है मेक्सिको, दूसरे स्थान पर पेरू और तीसरे स्थान पर नंबर आता है चीन का। इसके बाद अगर राज्य देखे जाए तो सबसे ज़्यादा जो चांदी उत्पादन करता है वो है राजस्थान, और राजस्थान की जवाहर खान में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। इसके बाद अन्य राज्य देखे जाए तो कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन? चित्रदुर्ग और बेल्लारी, ये दो जगह है चांदी का उत्पादन होता है। और आंध्र प्रदेश में कड़प्पा और गंटूर, ये दो जिले हैं जहाँ पे चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला है थोरियम। थोरियम भी यूरेनियम की तरह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने में किया जाता है। लेकिन थोरियम की पूरे विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास थोरियम को उपयोग करने की टेक्निक है, खासकर भारत के पास अभी नहीं है। भारत कोशिश कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, लेकिन भारत के पास पूरे विश्व के सबसे अधिक थोरियम के भंडार उपस्थित हैं। तो ये रेडियो एक्टिव धातु है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने में किया जाता है। और विश्व के सबसे ज़्यादा जो थोरियम के भंडार है वो भारत में है। और केरल की जो मोनोजाइट रेत है, रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम पायराइट पाया जाता है। प्रमुख अगर उत्पादक राज्य देखे जाए तो प्रथम स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर राजस्थान, और राजस्थान की भी कौन सी? पाली और भीलवाड़ा, ये दो जगह हैं जहाँ पर चांदी का थोरियम का उत्पादन किया जाता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है, अगर आप इसमें से कभी कन्फ्यूज हो भी जाए तो इसमें आपको याद रखना है। इस तरफ आपको दिए गए हैं खनिज, और खनिज के दूसरी तरफ उस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है वो दिया गया है। तो आपको ये लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है इस लिस्ट को, कि कौन सा खनिज का कौन सा उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है। जैसे पेट्रोलियम का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में पाया जाता है। दूसरा है लौह खनिज में कर्नाटक। तीसरे में मैग्नीज का उड़ीसा, कोयले का झारखंड, तांबे में मध्य प्रदेश, बॉक्साइट में उड़ीसा, अभ्रक में आंध्र प्रदेश, सोने में कर्नाटक, हीरे में मध्य प्रदेश, जस्ते में राजस्थान, यूरेनियम में झारखंड, मैग्नेजाइट में उत्तराखंड, चांदी में राजस्थान, थोरियम पायराइट्स में केरल, क्रोमाइट में उड़ीसा, टंगस्टन में राजस्थान, सीसे में झारखंड, लिग्नाइट में तमिलनाडु और टिन में छत्तीसगढ़, ये प्रमुख राज्य हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों का खनिज संसाधन का जो टॉपिक था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपके सामने लाऊंगा भारत के जो उद्योग हैं उनके बारे में। और अब हम जल्द ही पर्यावरण भी स्टार्ट करने वाले हैं, एनवायरमेंट को, जो खासकर रेंजर की तैयारी कर रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में एनवायरमेंट पूछा जाता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।